जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश ने मुलायम का किया है, उसके बाद से अक्सर उन्हें औरंगजेब बुलाया जाने लगा है। शक्तिशाली मुगल शहंशाहों में औरंगजेब आखिरी थे। उनके बाद के जो 12-13 मुगल शासक हुए वो योग्य नहीं थे और अंत में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने दिल्ली की गद्दी से उतार भी फेंका था। कहते हैं उनके वंशज अब रिक्शा चलाने और अन्य किस्म की मजदूरी से जीवन यापन करते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर मुगल बादशाह औरंगजेब मुगल बादशाह कैसे बने? औरंगजेब की गद्दी हथियाने की कहानी खून से सनी तो है ही, साथ ही वो कई सबक भी सिखा जाती है। आमतौर पर जैसा ही कि हमारे साहित्यकार इतिहास के साथ करते हैं, वैसी ही प्रक्रिया से इसे भी आम लोगों को सिखाया नहीं गया। इतिहास से सबक लेकर लोग सुधार करते, ऐसी कोई मंशा हमारा इतिहास लिखने वाली बिरादरी की शायद नहीं थी। दरअसल शाहजहां अपने बेटे दारा शिकोह को गद्दी सौंपना चाहते थे, लेकिन ये हुआ नहीं। यहाँ तक तो सब जानते हैं। दारा शिकोह दरअसल अपने भाई औरंगजेब की तरह कट्टरपंथी नहीं थे। उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया था और फारसी में उपनिषदों का अनुवाद करवाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। ऐसी वजहों से कट्टरपंथी औरंगजेब को वो कभी पसंद नहीं आए। शाहजहां के बीमार पड़ने पर सबसे पहले शाह शुजा ने विद्रोह किया और खुद को बंगाल के हिस्से का मुगल सुल्तान घोषित कर दिया। इसी विद्रोह को कुचलने के लिए दारा शिकोह को फौज के साथ रवाना किया गया था। 14 फरवरी सन 1658 को बहादुरपुर की लड़ाई में शुजा के इस विद्रोह को कुचल दिया गया। इस युद्ध से जब दारा शिकोह लौट रहे थे तो औरंगजेब और मुराद ने मई 1658 में उन पर हमला कर दिया। धर्मत की लड़ाई में औरंगजेब की फौज शिकोह की सेना को हरा चुकी थी, लेकिन गद्दी का फैसला सामूगढ़ की लड़ाई में 29 मई 1658 को हुआ। चंबल के पास का एक गुप्त रास्ता औरंगजेब की सेना ने ढूंढ निकाला था। उसकी फौज कम थी, लेकिन वो मजा हुआ योद्धा था। जबकि दारा शिकोह किताबों के ज्यादा वास्ता रखने वाले थे। दारा शिकोह की सेना की कमान हाड़ा राजपूतों ने संभाल रखी थी। पीले झंडे के साथ औरंगजेब और लाल के साथ दारा शिकोह की फौजें आमने सामने आ गई। चंबल का इलाका था। राजा छत्रसाल हाड़ा बंदूकों और तलवारों से लैस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। यहां दारा शिकोह ने ठीक वही गलतियां की जो आमतौर पर हारने वाले हिंदू राजा किया करते थे। पहले तो उन्होंने अपने तोपों को जंजीरों से बांध रखा था। इस वजह से उन्हें यहां से वहां ले जाना बहुत मुश्किल था, लगभग नामुमकिन। एक जो जंबूरक यानी ऊंट पर लगी हुई बड़ी बंदूकों की टुकड़ी होती थी, वो तोपों के ठीक पीछे थी। दूसरी गलती की वो हिंदू राजाओं जैसा ही हाथी पर सवार थे। आप अगर जीतने वाले राजाओं को देखेंगे, चाहे वो महाराजा प्रताप हों या महाराणा शिवाजी हों, ये राजा कभी हाथी पर से नहीं बल्कि घोड़े पर सवार होकर लड़ते थे। इससे उनको युद्ध क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने में सुविधा होती थी। और हाथी का हौदा खाली देखकर फौज में किसी तरह की हड़बड़ी या आशंका नहीं फैलती थी। आमतौर पर जैसा मुस्लिम आक्रमणों की रणनीति होती है, ठीक वैसी ही रणनीति औरंगजेब ने इस्तेमाल की थी। मुराद की छत्रसाल हाड़ा से पुरानी दुश्मनी थी, तो एक फिदायिन टुकड़ी ने सीधा राजा छत्रसाल हाड़ा पर हमला कर दिया। दारा शिकोह शायद इस तरीके से वाकिफ रहे होंगे। उन्होंने राजा छत्रसाल हाड़ा की सुरक्षा के लिए उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, शायद आगाह करना चाहते होंगे। लेकिन हाथी धीमा चलता है और दोनों पक्षों की तोप की मार में वो बढ़ नहीं पा रहा था। नतीजा ये हुआ कि मुराद राजा छत्रसाल के सवारों की टुकड़ी को भेद कर अंदर पहुंच गया और उसने राजा छत्रसाल हाड़ा को तीरों से मार गिराया। उधर राजा छत्रसाल हाड़ा मारे गए और इधर दारा शिकोह ने सोचा कि हाथी से उतरकर घोड़े पर राजा छत्रसाल हाड़ा की तरफ जाया जाए। अब दारा शिकोह की सेना ने देखा कि राजा छत्रसाल हाड़ा भी मारे जा चुके हैं और दारा शिकोह का हाथी भी खाली है।
अपने नेतृत्व को मारा गया समझकर उसमें से ज्यादातर युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। बाद में इनमें से कई ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी सेना में शामिल हो गए। तो इस तरह औरंगजेब मुराद की मदद से लड़ाई जीत गया। ये गद्दी का फैसला करने वाली जंग थी। इसके अगले ही महीने औरंगजेब ने आगरा के किले को घेर लिया और वहां का पानी भी बंद कर दिया। मजबूरन शाहजहां को आत्मसमर्पण करना पड़ा और उन्हें कैद करके औरंगजेब अगला मुगल बादशाह बना। फिदाइन हमला जो सीधा एक लक्ष्य को निर्धारित करके किया जाता है वो आज के दौर की बात नहीं है। इसका इतिहास इस्लामिक आक्रमणों के शुरुआत की दौर से ही शुरू हो गया था। इनका इस्तेमाल भारत के हर एक राजा की हार में दिखेगा। जो भी हारा है लगभग हर एक ऐसे ही हमले में हारा है। ऐसे ही हमलावरों के लिए गाजी और शहीद जैसी उपाधियां भी शुरुआती दौर से ही दी जाती रही हैं। समय बदलने के साथ ऐसे हमलावरों के तरीके भी बदल गए हैं। पहले युद्ध क्षेत्र में सेना लड़ती थी। प्रचार तंत्र और सभ्यता संस्कृति पर हमला मंदिरों या फिर दूसरे पूजा स्थलों, विद्यालयों, विद्या के और केंद्र जैसे विश्वविद्यालय, नालंदा वगैरह तोड़कर या उन्हें जलाकर किए जाते थे। अब समाचार और अन्य माध्यमों से पहले मनोबल तोड़ा जाता है और असली हमला बाद में आता है। पहले के फिदाइन और आज के फिदाइन में एक अंतर तरीके बदलने के कारण भी आया है। पुराने फिदाइन हमले के प्रयास में जान जा सकती थी क्योंकि लड़ाई के मैदान में हो रहा होता था। प्रचार तंत्र में फिदाइन की जान नहीं जाती, जान के बराबर की कीमत की उसकी विश्वसनीयता होती है। अक्सर समाचार देने वालों की विश्वसनीयता जाते हुए देखा जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि फिदाइन हमले बंद हो जाएंगे? नहीं, जब तक हमला झेल रहा समुदाय ऐसे हमलों को पहचानना नहीं सीखता ये बंद नहीं होंगे। पहचानना आसान है। क्या हर तरफ से केवल एक ही लक्ष्य को नेस्तो नाबूद करने के प्रयास हो रहे हैं? क्या हर आक्रमण का निशाना एक ही होता है? अगर हाँ तो पूरी संभावना है कि आप बदले हुए तरीके का फिदाइन हमला ही झेल रहे हैं। संभलिए, उनके निशाने की सुरक्षा हर एक का दायित्व है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप युद्ध हार जाएंगे। धन्यवाद।